लेकिन एक बड़ी चोट चिरंजीवी योजना के नाम पर पिछले 2.25 साल से जो लोग वंचित रहे, क्या मुख्यमंत्री उनकी भरपाई करेंगे? इस कोरोना के कालखंड में जिन नॉन कोरोना पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नकार दिया, उन 5-5, 10-10 लाख रुपए की भरपाई क्या मुख्यमंत्री करेंगे? मुझे निराशा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा पाएंगे, ये किसी प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ अरसे से कोरोना के प्रबंधन में विफल होते हुए, शासन की इच्छा शक्ति को भी खत्म करते हुए, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से केंद्र की सरकार पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, पर सवाल उनकी नियत पर भी खड़ा होता है कि पूरे पहली लहर के बाद और इस दूसरी लहर की शुरुआत के बीच में इस कालखंड में प्रदेश में कोरोना के प्रबंधन को लेकर उन्होंने क्या किया। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने थे पीएम केयर्स के जरिए, वो क्यों नहीं लगे? वेंटिलेटर्स का उपयोग क्यों नहीं हुआ? और प्रदेश के मरीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं थी वो हासिल क्यों नहीं हुई? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तो उनके जिम्मे थी। चिकित्सा का जो पूरा विषय प्रदेश का था उस पर उनको एक्शन लेना था, भर्तियां उनको करनी थी। डॉक्टर्स क्यों नहीं भर्ती किए? नर्सेज और कंपाउंडर्स भर्ती क्यों नहीं किए? लैब टेक्नीशियन और चिकित्सा कर्मी भर्ती क्यों नहीं किए? इन सब का जवाब तो राजस्थान की जनता मांगती है, लेकिन एक बड़ी चोट चिरंजीवी योजना के नाम पर पिछले 2.25 साल से जो लोग वंचित रहे, क्या मुख्यमंत्री उनकी भरपाई करेंगे? इस कोरोना के कालखंड में जिन नॉन कोरोना पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नकार दिया, उन 5-5, 10-10 लाख रुपए की भरपाई क्या मुख्यमंत्री करेंगे? मुझे निराशा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा पाएंगे, ये किसी प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। वो ये कहते कि हम इस तीसरे लहर की तैयारी के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हम ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स तैयार करेंगे, बेड्स तैयार करेंगे, आईसीयू तैयार करेंगे, डॉक्टर्स की खेप तैयार करेंगे, तो लोगों में भरोसा और मनोबल होता। केवल सियासी बयानबाजी वो किसी प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से चीजें शीशे की तरह साफ हैं। इस चिरंजीवी योजना के लिए वो आज टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, तो पिछले कुछ अरसे से जिन लोगों को सहूलियत नहीं मिली उनका क्या होगा? मुझे लगता है वो खुद एक ऑडिट कर लें कि किन लोगों को लाभ नहीं मिला, कितने लोग वंचित थे। मुझे लगता है कि चिकित्सा सेवाओं को लेकर राजस्थान की जनता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है, सवाल खड़े करती है।